प्राकृतिक खेती भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। जलवायु परिवर्तन और मिट्टी की कम होती उर्वरा शक्ति को बचाने के लिए प्राकृतिक व जैविक खेती ही ऐसे विकल्प हैं, जिससे बिगड़ते हालात को काफी हद तक संभाला जा सकता है। यही वजह है कि ज्यादातर किसान वापस उसी राह पर चल रहे हैं जो प्रकृति, पर्यावरण और जीवों के लिए सुरक्षित है। ऐसे ही एक किसान है उत्तर प्रदेश के हरिशंकर सिंह, जिन्होंने न सिर्फ प्राकृतिक व जैविक खेती को अपनाया बल्कि इसका दायरा बढ़ाने में भी सफल रहे हैं। हवा में तैरती ये आवाज है हरिशंकर सिंह की, जो लाउड स्पीकर पर किसानों को प्राकृतिक व जैविक खेती का संदेश दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हरिशंकर जी समय समय पर कृषि और मौसम से जुड़ी जानकारी भी किसानों से साझा करते हैं। पिंडरा ब्लॉक के रहने वाले हरिशंकर सिंह जी बताते हैं कि जैविक खेती की तरफ जब उनका रुझान बढ़ा तो शुरुआत में उन्होंने आधे एकड़ खेत में प्रायोगिक तौर पर खेती करना शुरू किया। शुरुआत में ही मिली भरपूर फसल से प्रभावित होकर हरिशंकर जी ने अपने 12 एकड़ की जमीन पर प्राकृतिक खेती कर दायरे में इजाफा किया। इस उपलब्धता को उन्होंने बाकी किसानों से भी साझा किया और उन्हें भी प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया। इस तरह तैयार की गई फसलों और उत्पाद को हरिशंकर सिंह जी ने ऊंचे दामों पर बेचा। उपभोक्ता भी इनके उत्पाद लेकर काफी खुश हैं, क्योंकि लोग अब बेहतर स्वास्थ्य के लिए जैविक उत्पादों को ही पसंद कर रहे हैं। मुंबई से 30 साल पहले आए हरिशंकर जी ने सबसे पहले मिट्टी का स्वास्थ्य जांचा और पाया कि खेती के पहले मिट्टी का स्वास्थ्य संभालना होगा, जो प्राकृतिक खादों से ही संभव था। इसके बाद उन्होंने अपने खेतों में गेहूं, सरसों, चना, अलसी, अरहर जैसी फसलों की उन्नत पैदावार ली। इसके पीछे इनका खुद का बनाया जीवामृत है, जो गाय के गोबर और गोमूत्र से बनाया जाता है। वो बताते हैं कि जीवामृत बुआई और सिंचाई के समय सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसा करने से पोषक तत्वों की पूरी मात्रा फसल को मिलती है। वहीं वो अपने खेतों में जीवामृत खाद के लिए, बीजामृत बीजोपचार के लिए, जैविक कीटनाशक जैसे लहसुन, मिर्च, नीम और अदरक से बना घोल कीट नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुंबई से 30 साल पहले जब मैं आया, तो उसके बाद जब मैं खेती से जुड़ा तो मैंने ये पाया कि जब मिट्टी का स्वास्थ्य ही नहीं ठीक होगा, जो कि हम जीवांश कार्बन प्रतिशत से ये देख पाते हैं कि पूरे पूर्वांचल का 0.2-0.3 पर ही आके रुक जा रहा है, जबकि इसको 1 दशमलव तक जाना चाहिए, 0.98 तक होना चाहिए। तो मैंने जब इसको अपनाया तो मिट्टी का मेरा जो स्वास्थ्य था, आज मैं अगर मृदा जांच करवाता हूँ तो उसमें 0.7-0.8 ये जैविक कार्बन प्रतिशत आता है, तो मिट्टी का स्वास्थ्य तो बढ़ा है ही और मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। जैविक खेती के जो भी मेरे उत्पाद हैं, जैसे मैं सरसों का तेल है उसको मैं 200 रुपये लीटर बेच पाता हूँ, और एक ग्राहकों का ही मुझे फीडबैक आता है कि वो कहते हैं कि भैया, मतलब जहाँ हम पहले जो तेल उपयोग में लेके आते थे और आपका तेल उपयोग में लेके आ रहे हैं, तो वो रसोई ही बता रहा है कि आपका तेल बेहतर है, इसलिए वो 200 रुपये लीटर, 130 के जगह 200 रुपये लीटर पे कर रहे हैं। गेहूँ है तो 30-35 रुपये किलो बिक जाता है, चना है 100-120 रुपये किलो बिक जाता है। ये निश्चित तौर पर जो जैविक खेती है, जो कि रासायनिक खाद से और रासायनिक कीटनाशक से तो बिल्कुल ही 100% ये मुक्त है, और इसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से अपना प्रमाणीकरण भी करवा लिया है, तो ये एक सोने में सुहागा जैसा हो गया है। 200 लीटर जीवामृत हम प्रति एकड़ बड़े आराम से इसको बुआई के समय और हर सिंचाई के समय हम इसको उपयोग में लेके आ सकते हैं। बीजामृत जो बनता है उससे हम बीज शोधन कर लेते हैं, और जो हम नीम की पत्तियां, लहसुन, अदरक और मिर्च वगैरह का जो घोल है उससे हम कीटनाशक बनाकर हम कीटों का नियंत्रण भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। जल संरक्षण के लिए तो मतलब हम लोगों ने जैसे यहाँ पे जो मैंने अपने घर पे भी वाटर वर्षा जल संरक्षण के लिए पाइपलाइन लगाया हुआ है, जो कि सीधे जा रहा है पानी कुएं में नीचे गिरने के बजाय, और खेत में भी हमने मेड़बंदी करवाया ताकि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रहे। सिंचाई के लिए भी हमने स्प्रिंकलर का उपयोग किया है और प्राकृतिक खेती को अपनाया है ताकि पानी कम लगे और मिट्टी में जल असर बढ़ता रहे। हरिशंकर जी जल प्रबंधन के लिए भी बेहतर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाया है। इसके साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पानी की बचत हो सके। खेती के साथ पशुपालन को वो उम्दा विकल्प मानते हैं। वो मानते हैं कि 10 एकड़ खेत के लिए एक गाय काफी है। गाय के गोबर से बायोगैस प्लांट से खाद मिलती है, जो प्राकृतिक खेती के लिए बेहद जरूरी है। वो इन सब बातों के लिए गांव के बाकी किसानों को भी जागरूक करते हैं। किसानों के साथ बैठकर खेती और उससे जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं।
हरिशंकर जी नई जानकारियों के लिए खेती से जुड़ी किताबों का अध्ययन भी करते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक लाइब्रेरी बनाई है। इन नवीन जानकारियों को वो लाउड स्पीकर से किसानों तक पहुंचाते हैं, इसीलिए वो गांव में आदर्श किसान माने जाते हैं। उनके इस काम के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। 15-20 साल से हरिशंकर सिंह जी को देख रहा हूँ और उनके साथ जो भी छोटे मोटे शिविर, किसान गोष्ठी या तो जो भी रहता है जाता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपना किसान रथ भी लिए हैं और जाके हम लोगों को गांव-गांव में अपने साइकिल द्वारा घूम के बताते भी हैं कि आज किस जगह किसान संगोष्ठी है और कौन कौन से बीज गेहूं के बोने चाहिए और जैविक खेती के बारे में हम लोगों को बताते हैं। हरिशंकर जी खेती के प्रति हम लोगों को देसी गाय पालने के लिए कहते हैं और उसके मल मूत्र से जैविक खाद तैयार करने के लिए बताते हैं।